कोर्ट्स की तरफ, जुडिकेचर की तरफ आते हैं। और सबसे पहला आर्टिकल जो यहाँ पे कंसिडर करने वाला है वो है आर्टिकल 175। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कितने हैं दुनिया पाकिस्तान के अंदर? सॉरी, वेल इट्स एन आर्ग्यूबल थिंग। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसको नाम दिया गया है। चार प्रोविंसेस के अंदर और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के पांच हैं, यानी हो गए हाई कोर्ट्स। एंड लिखा हुआ सच अदर कोर्ट्स एज मे बी इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो अगर कोर्ट कानून के तहत कोई इस्टेब्लिश कर दिया जाए बैंकिंग कोर्ट, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट शायद ना तसव्वुर किया जाए, मगर पूछा जा सकता है ये सवाल। तो इसके अंदर यही होगा, मल्टीपल चॉइस यही आ सकता है। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स? कोर्ट्स क्रिएटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन वन, ये वन सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड फोर प्रोविंसेस, एंड आखिरी ये है जो कि कोर्ट्स एज मे बी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आगे आ जाए 175 के अंदर, नो कोर्ट शल, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली बात है। No court shall have jurisdiction save as is or may be conferred on it by constitution or under law. तो फिर inherent jurisdiction क्या चीज़ होती जी? नहीं, constitution तो ये कह रही है कि भाई किसी court के पास वो jurisdiction नहीं होगी जो कि कानून या constitution उसको नहीं देती। उसके अलावा तो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन अगर आप कहते हैं, तो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन तो वो जुरिस्डिक्शन होती है जो कोर्ट होने की वजह से उनके पास होती है। उसको इसीलिए सेक्शन 151 सीपीसी के अंदर लिख के डालना पड़ा। क्यों? ताकि इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन को प्रोटेक्ट कर लिया जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज अलाउड बाय लॉ, तो दैट इज़ वाई दैट सेक्शन 151 हैड टू बी गिवन इन देयर। अदरवाइज आप लिख रहे होते एप्लीकेशन अंडर इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो ये समझने की ज़रूरत है, उसको इस तरीके से रैशनलाइज किया गया। और ये लिखा हुआ था कितने दिन, और ये भी सवाल पूछा जा सकता था कि 175 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को कितने अरसे में सेपरेट करना था। 175(3) में लिखा हुआ है विल बी विद इन 14 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसिंग डे कॉन्स्टिट्यूशन के, 14 सालों के अंदर अलहदा कर देना था। हुई वैसे वो बाद में है, बट आगे आ जाइए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का और फेडरल शरीयत कोर्ट का क्या तरीका है, कौन अपॉइंट करता है। 175A शुरू है, जुडिशियल कमीशन रिकमेंडेशन भेजती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। बीच में एक पार्लियामेंट्री कमीशन भी मौजूद है जिसका जो अब इफेक्टिवली अगर आप इसमें देखें रबर स्टैम्प ही है कोर्ट्स की डिसीजंस के बाद। हाउएवर इसका कॉम्पोजिशन आपसे पूछी जा सकती है, 175A में कौन कौन बैठता है। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बैठते हैं, उनके चेयरमैन होते हैं, चार सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, फॉर्मर जज और कोई मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू बी नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस, उनकी कंसल्टेशन में विद किसको कहते हैं 2 साल के लिए, वो भी साथ बैठते हैं, और बार काउंसिल, फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेटेड बाय पाकिस्तान बार काउंसिल। कुल कितने बंदे हुए ये पूछा जा सकता है नंबर, एक जमा चार जमा पाँच जमा छः सात और सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 8, और उसके साथ साथ कमीशन के साथ और एडिशनल भी होंगे डिपेंडिंग ऑन वो बिजनेस कौन सा एग्जामिन कर रही है। वो लिखा हुआ है सब पाँच के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट का अगर मामला है तो वहाँ पे उसके अंदर कमीशन के अंदर उस उधर का चीफ जस्टिस भी बैठेगा और साथ और सीनियर मोस्ट जस्टिस भी जज भी साथ बैठेगा और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर वगैरह भी बैठेगा। तो इसकी कॉम्पोजिशन बदलती भी है, बट बेसिक जो स्टैंडिंग है वो आपके सामने ऊपर मेमोरान ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आप आगे जाके देखें और एक इंस्टेंस है जहाँ पे इसकी कंपोजिशन घटती भी है, कोई दोस्त बता सकता है? हाँ, वो अगर कोई सीनियर मोस्ट जज है और जिसने चीफ जस्टिस लगना है पाकिस्तान, वो फिर नहीं बैठेगा वहाँ पे अगर वहाँ पे उसकी अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हो रही,
दैट इज़ वन एक्सेप्शनल को केस मल्टीपल चॉइस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट का ये मैकेनिज्म है काफ़ी डिटेल में है, मगर इसको आपको आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 176 है, याद करें, याद रखिएगा। उसके तहत एक चीफ जस्टिस होगा और सो मेनी जजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय मजलिस शूरा के एक्ट के जरिए। कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ जजेस नहीं लिखे हुए, गवर्नमेंट अगर इंक्रीज करना चाहे तो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स और ओथ वगैरह यहाँ पे दिया हुआ, रिटायरिंग एज तो आपसे पूछी जा सकती है क्या है, हाई कोर्ट की कब है 62, हाई कोर्ट की 62, एक्सटिंग चीफ जस्टिस वगैरह, इसमें इतनी अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस हो सकते हैं, इतनी डिटेल में नहीं। परमानेंट सीट सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पे और इसकी रजिस्ट्रीज कहाँ पे हो सकती हैं और सच अदर प्लेसेस वगैरह अलाउ करता है कि जिसके तहत रजिस्ट्रीज वन मुख्तलिफ जगह पे बनाई गई हैं 183 में। 184 ज़रूरी है, 184 आर्टिकल क्या है, ज़ुबानी रटा लगाइए। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस नौयत की किन किन मामलात में है कोर्ट के पास, नहीं पहले सबसे पहली कौन सी है, अगर गवर्नमेंट्स के दरमियान डिस्प्यूट हो रहा हो, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोवेंशियल गवर्नमेंट और प्रोवेंशियल गवर्नमेंट्स का आपस में हो तो वहाँ पे सूट एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। दूसरा इसको कहते हैं दूसरी ज्यूरिसडिक्शन 1843 क्या चीज़ है जी, इसको सुओ मोटो पावर वगैरह कहा जाता है। सुओ मोटो पावर कहाँ पे एक्सरसाइज की जा सकती है 1843 में, फंडामेंटल राइट्स के बारे के मामलात के अंदर और जिसके अंदर ये लिखा हुआ है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस हो, किसी एक बंदे की अगर नौकरी का मामला हो या आप सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं और आपका रिजेक्ट हो जाता है 1843 में आप उनके, और 199 आपकी मेंटेनेबल नहीं है, 199 को भी टच करेंगे रिट पिटिशन में, तो आप जब 1843 में सुओ मोटो या पिटिशन लेके जाते हैं उनके पास तो सुप्रीम कोर्ट ये कह के रिजेक्ट कर देती है, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस नहीं है, इंडिविजुअल ग्रीवेंस है। तो इम्पॉर्टेंट है कई केसेस में कि पब्लिक इम्पॉर्टेंस भी होना चाहिए और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 जो हमने शुरू में नहीं सारे के सारे देखे थे, राइट टू लाइफ ये वो सब उसके बारे में है। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ इन आर्टिकल 185, ये आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्ट अपील होती है और एक पटिशन फॉर लीव टू अपील होती है। डायरेक्ट अपील उन केसेस के अंदर होती है जो सब आर्टिकल 2 के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं कि जी उसके इंस्टेंसेस वगैरह के, अगर अपील हाई कोर्ट के अंदर अपील के अंदर अगर किसी का अक्विटल रिवर्स हो जाए या और या किसी को अगर सेंटेंस टू डेथ किया हो तो वहाँ पे अपील अवेलेबल है, या हाई कोर्ट ने ट्रायल विड्रॉ करके अगर अपने पास लिया हुआ तो वहाँ पे अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी, और इंस्टेंसेस यहाँ पे अगर फाइनल ऑर्डर के अंदर अगर जजमेंट एट वेरियंस आखिरी दो कोर्ट्स के अंदर हुई है वहाँ पे डायरेक्ट अपील होगी, उसके 30 दिन होते हैं। हाउएवर एफ के अंदर अगर आप यहाँ पे जाके करें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ, या अगर 3 में अगर आप देखें 185(3) के अंदर तो वहाँ पे CPLA जमा होती है, अपील वहाँ पे भी हो सकती है जहाँ पे आपको लीव टू अपील ग्रांट कर दी जाए। तो दो इंस्टेंसेज हैं, 185 को आपको देखना पड़ेगा, प्लस अपनी तैयारी में ये भी आपने देखनी है और लिखना है कि किस किस नौयत की ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है, ओरिजिनल, एपलेट, रिव्यू, रेफरेंस के तहत अगर अगर उनके पास आती है और कोई दूसरा उसको एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जिसको कहा जाता है, और पावर टू ट्रांसफ़र केस हम ज्यूरिसडिक्शन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट ये हैं इसके अंदर। एपलेट तो आपके सामने ऑलरेडी आ गए, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन 186 के तहत होता है वो देख लीजिएगा। 186 इज व्हाट, कि अगर कोई रेफरेंस आए, अभी पिछले दिनों कौन सा रेफरेंस आया था, हाँ नहीं यार वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 209 में एक रेफरेंस है, एडवाइजरी के अंदर कौन सा पिछले दिनों आया हुआ था, गवर्नमेंट पूछना चाह रही थी इनसे, कौन
सेनेट की इलेक्शन के बारे में उनका आया था, ओपन बैलेट का क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ा हुआ था इनके सामने कि बैलेट ओपन होगा कि सीक्रेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन का, तो वो रेफरेंस वगैरह था और उसको डिसाइड करके नीचे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था। 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी केस किसी बिफोर एनी हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकती है। सॉरी, इफ इट कंसिडर्स इट्स एक्सपीडियंट टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ट्रांसफ़र, यहाँ पे एप्लीकेशन की कोई बात नहीं है। यार सॉरी यार, आई डोंट वांट टू मिसगाइड यू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं खुद भी हूँ, इतना कम ये हुआ है कि मैं नहीं कह सकता। मैं तो इसके ऊपर आपको जनरल वर्डिंग के ऊपर आपको बता रहा हूँ, इस पे एप्लीकेशन का नहीं लिखा हुआ। रेट पिटिशन का आर्टिकल 199 जहाँ पे वहाँ पे लिखा हुआ अपॉन एप्लीकेशन। अब ये ऑन द अदर हैंड 184(3) जब आपने पढ़ा है तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन का नहीं लिखा हुआ है, राइट? बट 184(3) के तहत आप पिटिशन लेके जाते हैं, आप कहते हैं कि जी सुओ मोटो आप अपनी पावर एक्सरसाइज करें। तो जहाँ पे कोई पावर दी गई और स्पेसिफाई नहीं किया गया, द वे आई रीड इट इज़ कि उनके पास सुओ मोटो पावर भी है और आप एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, राइट? आगे आ जाए, बिकॉज इसमें ये नहीं लिखा हुआ, सो आई डोंट नो, आई कॉन्ट रियली से, आपको ये मैं चेक करके बाद में बता सकता हूँ। इशू ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन जिस नौत की इंसाफ फॉर डूइंग कम्प्लीट जस्टिस वो कर सकती हैं, इंक्लूडिंग एन ऑर्डर टू आई मीन दूसरे कोर्ट्स के पास सब्जेक्ट टू आर्टिकल 175, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर टू इशू डायरेक्शन है, जैसे आपके रिट वगैरह के अंदर होते हैं वो अवेलेबल हैं। उसके साथ इन्फोर्सेबल पूरे पाकिस्तान के अंदर ये होगा और एग्जीक्यूट हर प्रोविंस के अंदर होगा, और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट, वो आगे आएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसकी एग्जीक्यूशन वहाँ से भी बीच में करवाई जा सकती है हाई कोर्ट के लेवल। रिव्यू की पावर 188 के अंदर मौजूद है, डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, तमाम कोर्ट्स के ऊपर और ट्राइब्यूनल्स के ऊपर और अथॉरिटीज़ पे होंगी। 190 के अंदर तमाम अथॉरिटीज़ विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है किसी को कोई डायरेक्ट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर बाउंड टू गो अहेड एंड कंप्लाई विद दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स कहते हैं, वो 1980 के वो सुप्रीम कोर्ट को बनाने की यहाँ पे पावर दी गई है, और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आगे जाके अब आ जाता है हाई कोर्ट का, ज़्यादातर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो चीज़ें हैं वो पैरा मटीरिया हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ। ज्यूरिसडिक्शंस अलबत्ता लिमिटेड हैं, ज्यूरिसडिक्शंस वो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शंस भी हैं, हाई कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट्स, रिटायरमेंट की जेल, दोनों में फ़र्क है 62-65, ओथ ऑफ ऑफिस सिमिलरली लिया जाएगा, रिटायरमेंट एज आर्टिकल 195 में, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल जजेस, सीट ऑफ हाई कोर्ट कहाँ पर होगी, बेंचेस वगैरह वो सिमिलर है। आर्टिकल 199 इम्पॉर्टेंट है, इस पर मैंने लेक्चर दिया हुआ, 3 घंटे का लेक्चर दिया हुआ, लेकिन उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। पूछा आपसे ये जा सकता है कि रिट किसके खिलाफ हो सकती है, कौन कर सकता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, पर्सन की डेफिनेशन की एक्सक्लूजन्स क्या है। आपने ये रिट सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है कि आर कैन रिट बी फाइल्ड अगेंस्ट एवरी सिंगल पर्सन, no persons performing functions in relations to the affairs of the federation, the province or any local authority. एक government related होगा, दूसरा important चीज़ क्या है, कौन कर सकता है वो भी depend करता है, from place to place, habeas corpus और quo warranto के अंदर कोई भी बंदा कर सकता है, दूसरी जगह के ऊपर aggrieved party कर सकती है। सर्च हो रहा है इस डेक्लेरेशन, उनके अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए गए, मगर ये वो वाली जो सारी रेमेडीज हैं वो आर्टिकल 199 के अंदर अवेलेबल हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के अंदर ये जेन में हमने डाल लीजिए, वहाँ पे प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी रिट इशू हो सकती है, अमूमन नहीं होती, मगर 199 की जो वर्डिंग है उसके तहत अगर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है तो वहाँ पे जाके एक हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकता है। ऑल्टरनेट, और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ऑल्टरनेट रेमेडी अगर हो, एब्सुओ मोटो पावर ये नहीं है,
ये चीज़ें आपको अपने जहन में डालनी पड़ेंगी, अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एन अग्रीव पार्टी सारे का सारा लिखा हुआ है। आगे जाके इसके लिए आपके मल्टीपल चॉइस के लिए इम्पॉर्टेंट फौज के खिलाफ रिट नहीं हो सकती आर्म फोर्सेस के, उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया पर्सन की डेफिनेशन से। पर्सन की डेफिनेशन के अंदर अगर आप खुद वार से जाके एग्जामिन कीजिए तो पर्सन की डेफिनेशन में से हाई कोर्ट को भी एक्सक्लूड कर लिया गया। कोई दोस्त बताता है कहाँ पे ये पर्सन की डेफिनेशन अवेलेबल है? सर आर्टिकल 199 पे आ जाइए, 5 के अंदर आ जाएं। Includes anybody politic corporate any authority or person under control of federal government or provincial government and any court or tribunal other than the supreme court a high court or a court or tribunal established under law relating to armed forces right। और इसके अलावा अगर आप पिछला वाला भी आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने एक्सक्लूड किया है कि हाई कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ 3 के अंदर अगर देख लें, शैल नॉट बी मेड अंडर सब क्लॉज 1 और ऑन एप्लीकेशन इन रिलेशन टू पर्सन मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस और हु इज बीइंग सब्जेक्ट टू एनी लॉ रिलेटिंग टू दोज फोर्सेस। आर्मी एक्ट के तहत अगर किसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही। ये आ गए जी रिट की हद तक। अब आप अगर देख लें ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं इसके ऊपर। इसी तरीके से डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये बताइए कि डिसीजन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट डज दैट बाइंड सिंध हाई कोर्ट? अगर 3 जजेस ऑर्डर करें, एक जज सिंध हाई कोर्ट का करेगा? नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप अपने ही हाई कोर्ट और उसके तहत ही प्रोविंस के अंदर जो है, तो अगर आप कोई सिंगल जज की जजमेंट आपके सामने, ये आपको एक गुर बता देता हूँ क्विकली, अगर आप देखिए आर्टिकल 201 सब्जेक्ट टू आर्टिकल 199 एनी डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट इट डिसाइड्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और इज बेस्ड अपॉन एनंसिएट्स अ प्रिंसिपल बी बाइंडिंग ऑन कोर्ट सबॉर्डिनेट टू इट। अब बात ये है कि आप ले आएँ जी DB की जजमेंट सिंध की, कोई आपका ओपोनेंट बंदा और आपके पास मेरे एक जज की हाई कोर्ट की जजमेंट है, आपकी जजमेंट ओवरराइड करेगी उसके ऊपर बिकॉज वो प्रोविंस ऑफ पंजाब के अंदर सिविल जज है, राइट? और से देख लीजिए ये वाला आपको प्रोफेशन के अंदर आपको हेल्प कर सकता है। कई दफ़ा आड़े आ जाती है कि जी सिंध ने बड़ा कोई अलहदा व्यू लिया हुआ जो आपके खिलाफ जा रहा है, तो वहाँ पर आप उसको आर्टिकल 201 पढ़ाएंगे और आर्टिकल 201 पढ़ा के आप ये कहेंगे कि जनाबे वाला ये आपके ऊपर लागू होता है। सॉरी हाँ, सब्जेक्ट टू अपील है वो प्रॉब्ली उसको सेट असाइड पूरे पाकिस्तान के ऊपर, इट्स एन आर्ग्यूएबल थिंग, बट इसको पढ़ने से ये सो वो जो आपकी वो जजमेंट वाली जो बात है उसके अगेंस्ट, बाय द वे मैंने बताया कि नहीं बताया, उसके अगेंस्ट HEC अपील के अंदर जा रही है और जब तक वो 5 नंबर आपको नहीं देते, हम आपको 5 नंबर नहीं दे सकते और लाइसेंस नहीं दे सकते। चलें ये हो गया सर। फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में 203A है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आप देख लीजिए। हाई कोर्ट की सुपरिंटेंडेंट्स की भी पावर है, वो 203 में थी, वो मैं बताना भूल गया। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स आर्टिकल 202 के तहत बनती हैं और ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। पावर और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, इस्लामिक प्रोविजंस और उन चीज़ों के ऊपर ये आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, इसकी अपील कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे लाई करती है फेडरल शरीयत कोर्ट में? ठीक, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाई करेगी अपील। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अपील लाई करती है, अगर अपील दाखिल कर दें तो उसके ऊपर नीचे वाले फैसले की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है जी? वो स्टे हो जाता है, सुनवाई हो ना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज बेशुमार चीज़ों को अगर आपने पास ऑन करना और कोई डिसीजन अगर ना पसंद आती तो अपील करके गवर्नमेंट कभी आर्ग्यू ही नहीं करती। इंटरेस्ट की रिबा की जजमेंट मौजूद है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत वो जो पोते की इनहेरिटेंस वाला मामला है उसको अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके खिलाफ अपील जमा करवाई है, वो पेंडिंग है। तो इस तरह की एक प्रोविजन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है और वो इसलिए सारों पर लागू होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा हुआ है। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। और फेडरल शरीयत कोर्ट के बारे में अब आगे जाके 204 आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, कोई दोस्त बता सकता क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में है,
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर सिविल किसके पास है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, बैंकिंग ट्रिब्यूनल और ऑल ऑफ द अबव। क्या बात कर रहे हो यार, सुप्रीम कोर्ट, मैंने हाई कोर्ट नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, बैंकिंग ट्रिब्यूनल, ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या होगा? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है नोट करने की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो कानून मौजूद है उसमें लिखा हुआ है, इन दिस कोर्ट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट्स तक सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 204 की पावर्स मौजूद हैं। ऑर्डर 39 की अलहदा होगी सीपीसी वगैरह के अंदर, वायलेशन ऑफ स्टे इंजंक्शन ये सारे का सारा, मगर यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स यहाँ पे मौजूद हैं। शायद इसीलिए धड़ल्ले के साथ यहाँ पे तो ये है कि अगर आप वैसे भी अगर आप कोर्ट के साथ अब्यूज़ करें, अब्यूजेज, इंटरफेयर इन द प्रोसेस, स्कैंडलाइजेज द कोर्ट, ये वो सुपीरियर कोर्ट्स आपको कंटेम्प्ट के अंदर वाल सकते हैं, बट भाई लोग जाके सिविल जज के साथ फिर भी बुरी कर लेते हैं मगर, और उनको कंटेम्प्ट का सामना नहीं करना पड़ता। इम्पॉर्टेंट चीज, इम्पॉर्टेंट रीज़न और डिस्टिंक्शन बेसिकली है भी, सिविल कोर्ट सिविल जज को स्टे दे देता है, फिर भी एलडीए जाके लोगों के घर तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास कंटेम्प्ट की पावर नहीं है, उनके पास वो इंजंक्शन के तहत वो जो ऑर्डर 39 के अंदर है और इंजंक्शन की वायलेशन की पावर है, लेकिन कौन सुनता है। सो ये चीज़ें वगैरह आपको थोड़ा सा मैं डिस्टिंक्शन इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जहन में रखिए, सुपीरियर कोर्ट्स के पास कंटेम्प्ट की पावर्स हैं। किन केसेस के अंदर के अगर वो वहाँ पे हो रहा हो 204 के अंदर, अगर वो एक तो है कि अगर अब्यूजेस इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और डिसओबेज द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट की डायरेक्शन आप करेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर आप वेले फारिग, और कौन से प्राइम मिनिस्टर को फारिग करवाया गया था, यूसुफ रजा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट के अंदर, जब उनको डायरेक्शन दी गई थी कि आप स्विस लेटर वगैरह के मामलों के ऊपर, तो वहाँ पे जब उन्होंने नहीं किया, सजा तो मेरे ख्याल में उसी राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक की थी, बट उसकी वजह से वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। और अच्छा ये आगे देख लीजिए, रेम्यूनरेशन इनकी तनख्वाहें जज साहिबान की आर्टिकल 204 में है, रेजिग्नेशन 206 के अंदर, 205 में 206 रेजिग्नेशन उधर आता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रख सकता कोई जज, 207 के अंदर है, तो अगर कोई बंदा जज बन रहा है तो उसको अपनी किसी कंपनी में या किसी और के अंदर अगर उसका कोई है शेयर होल्डिंग, आई बिलीव शायद वो रख सकता है, मगर डायरेक्टरशिप वगैरह से उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। ऑफिसर और सर्वेंट्स ऑफ द कोर्ट उनका 208 में, 209 इंपॉर्टेंट है, उस पर सवाल आ सकता है, वो क्या चीज़ है आर्टिकल 209, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कौन कौन से मेम्बरान होते हैं वो देखा जा सकता है, कितने बंदे होंगे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा, सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और दो प्रोविंसेस के चीफ जस्टिसेस होंगे, 5 बंदे होते हैं, और जजेस के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म है अगर इनको चलने दिया जाए। प्रीवियसली जब भी किया गया है तो कम ही इंस्टेंसेस के अंदर चले हैं, चंद जजेस को बता रहा हूँ, ठीक है। अ पावर ऑफ काउंसिल टू अफोर्ड, इनके पास बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, 211 अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है, प्रोसीडिंग्स बिफोर द काउंसिल, इट्स रिपोर्ट एंड द प्रेजिडेंट एंड द रिमूवल ऑफ द जज विल शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट विच इंक्लूड्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके सामने हाउएवर आपने इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में और ये काजी फैज ईसा साहब के कोर्स देखा है, उसके ऊपर वहाँ पे अगर आप केस कोर्ट के अंदर जाके देखें, इस पर भी मल्टीपल चॉइस या कम अज़ कम हिस्ट्री में आ सकता है, मैलाफाइडे की ग्राउंड्स के ऊपर और इसको कहते हैं बाकी ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप चैलेंज करें तो तब वो कर सकते हैं। कोर्ट ये कहते हैं कि आर्टिकल 199, और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आर्टिकल 199 में लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसके ताबे है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि सब्जेक्ट टू द 184(3) देख लेने दीजिए, 184(3) में सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा हुआ है, बिलीव Without prejudice to provisions of 199, the Supreme Court shall, कि वो वाली जो powers वगैरह हैं वो भी Supreme Court को available हैं, मगर without prejudice to those, Supreme Court के पास ये further powers मौजूद हैं। ये आपके सामने आ गया 199 तक, jurisdiction of High Court हमने complete कर लिया हुआ है, अब Federal Sharia Court भी हमने briefly touch किया है,
कोर्ट्स की तमाम पावर्स यहाँ पे हुई। अब जनरल प्रोविजंस एडजुडिकेशन का 202 हो गया, 209 के अंदर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, देख नोट कर लीजिए। 210 में उनकी पावर है किसी बंदे को बुलवाना चाहें, 211 में उनका बार है, 212 इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, प्रैक्टिकली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहती है कि वो ट्राइब्यूनल्स मुख्तलिफ जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनते हैं, दो ट्राइब्यूनल्स को बता दें जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं। हाँ, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो नहीं, वो तो लॉ के तहत है। वो है एक आपकी एक्सेप्शन है सर्विस ट्राइब्यूनल, दूसरी आपका केस है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, इलेक्शंस वगैरह के लिए, वो उनकी अपील्स वगैरह, इसीलिए आर्टिकल 199 रिटें आपकी धड़ाधड़ खारिज होती हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं